कदम उठाए करना है प्रारंभ, आओ कदम बढ़ाए करना है प्रारंभ, आओ पढ़े पढ़ाए करना है प्रारंभ, ज्ञान की ज्योत जलाए पसारेंगे, धरती पे सूर्य उतारेंगे, आंधी आए या तूफान हिम्मत न हारेंगे, आओ पढ़े पढ़ाए करना है प्रारंभ, ज्ञान की ज्योत जलाए करना है। घासे गेहूं, घासे गेहूं, घासे घास, घासे घास, चासे चारा, चासे चारा, छासे छाज, छासे छाज। प्रारंभ नौटंकी टीम एक बार फिर आपका स्वागत करती है। आप सब लोग नाटक देखने के लिए तैयार हैं? अच्छा, नाटक से पहले एक गाना देखेंगे? ठीक है, तो अब प्रस्तुत है हमारे कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया एक रंगारंग नाच। शुक्रिया, मेहरबानी। आप लोग जिस तरह हमारे कलाकारों का हौसला बढ़ा रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, उसके लिए प्रारंभ टीम आपकी आभारी है। हमारा उद्देश्य आपका मनोरंजन करना तो है ही, साथ ही आपको शिक्षा की ओर जागृत करना भी है। मुझे उम्मीद है आपका यह प्रेम हमारे कलाकारों पर यूं ही बना रहेगा ना? रहेगा। आप लोग हमारा मनोरंजन कर रहे हैं, हम आपका साथ नहीं देंगे तो किसके साथ देंगे? भैया इतना साथ भी मत देना कि बाप भी नाराज हो जावे। अब्दुल्ला क्यों छेड़ता है राम कलित को? ठीक ही तो कह रहा है, अब हम इनका साथ नहीं देंगे तो और किसका साथ देंगे? नाटक शुरू होने से पहले मैं आपको एक चुटकुला सुनाती हूँ। एक बार एक अंग्रेज को एक ग्रामीण नाव से नदी पार करा रहा था। बीच नदी में पहुंचकर अंग्रेज ने ग्रामीण से पूछा, तुम्हें पता है बिल क्लिंटन कौन है? तो ग्रामीण ने कहा, नहीं। तो अंग्रेज ने ग्रामीण से बोला, तुम्हारा तो 10% जीवन बेकार गया। उसके बाद फिर अंग्रेज ने ग्रामीण से पूछा, तुम्हें पता है डायना कौन थी? ग्रामीण ने फिर बोला, ना बबुआ नहीं। तो अंग्रेज ने ग्रामीण से बोला, तुम्हारा तो आधा जीवन बेकार गया।
कुछ देर बाद नाव में छेद होने से पानी भर आया। तो ग्रामीण ने अंग्रेज से पूछा, तुम्हें तैरना आवे है? अंग्रेज ने बोला, नहीं। तो ग्रामीण ने अंग्रेज से बोला, तब तो तुम्हारा पूरा ही जीवन बेकार गया। अरे जे हुई ना बात, हो गई ना अंग्रेज की टाइट है फिस। यूं सुसरे अंग्रेज, हम गांव वालों को पता ना क्या समझे हैं। हम गांव वाले तो 100 सुनार की और 1 लोहार की करते हैं, पर ये बिलर डाणा कौन है? अरे होंगे कोई, हमें क्या पता। तो लीजिए शुरू होता है आज का नाटक। एक गांव अहमदपुर था, उसमें एक कारखाना, काम मजदूर वहां दिन भर करते, खाते थोड़ा खाना, करते करते काम वे अक्सर, करते करते काम वे अक्सर, गाते रहते ये गाना, गाते रहते ये गाना, गाते रहते ये गाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, 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 साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। अरे काम कर ले हो या गाना ही गा ले हो? काम भी कर ले है, गाना भी गा ले है। अरे मेला मजाक उड़ाते हो तुम लोग, आने दो ठेकेदार को, तुम सबकी शिकायत करूंगा। अरे बच्चू आने दो 7 तलीक, तुम सबके पैसे काटूंगा। मेले भी पैसे काटोगे? तुम्हारे पैसे नहीं काटूंगा, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। ओल मैं, अरे हट बेशलम, हट बेशलम। इन मजदूरों का मुंशी था बहुत ही चालू, जैसे जंगल में खतरनाक कोई भालू, दिनों रात मजदूरों से ये अंथक काम कराता, 400 रुपए महीना दे, 500 पे अंगूठा लगवाता, 500 पे अंगूठा लगवाता। लेमान, राम राम मुंशी जी। राम राम, अरे राम राम, हट आ इसके, ये ले अंगूठा लगा। लेमान जी, मुंशी जी, ले भैया अंगूठा। राम राम मुंशी जी। राम राम लादिका जी। मुंशी जी, पीसे तो दे दो मुंशी जी। हाँ पीसे भी देता हूँ, ले पूले है। पूले हैं मुंशी जी? अरे तेली प्याली प्याली सूलत को। और भाई मुंशी जी। अरे हाँ भैया, अरे तेरे को आज मैं बहुत याद कर रहा था। अरे कहाँ थे इतने दिन, हा? कल में सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक ठाक है, तू सुना। अरे भैया अपनी जिंदगी तो बड़ी मजे से कट रही है, तू तो कभी कभी आ जाए कल। बता तू ठंडा पिएगा या गलम? अरे भाई कुछ भी पी लूंगा, तू ये तो बता तेरी ये मुंशीगिरी कैसी चल रही है? अरे भाई ईश्वर की कृपा से सब ठीक चल रही है। कमाई उमाई तो ठीक ठाक हो जाती है ना तेरी? हाँ भाई हाँ, जब तक ये मजदूर है कमाई तो कला ही देते हैं। मतलब? अरे भाई जब तक है मजदूर भाई, कौन लोक सकता है गंगा राम की कमाई। भाई मुंशी मैं कुछ समझा नहीं। इसमें क्या मुश्किल है, समझाता हूँ, सब समझाता हूँ तुझे मैं। देख
हमारी अज्ञानता का फायदा उठाता है, पर कैसे कैसे? अरे भाई, अनपढ़ को तो सब पागल ही बनाएंगे ना। ऐसा है भाई गोविंद लाम, कि मैं अपने ठेकेदार से हर मजदूर का 500 रुपया महीना लेता हूँ और अंगूठा भी 500 पे लगवाता हूँ और देता हूँ उनको 400 रुपया। और वो अनपढ़ कुछ ही कुछ ही ले लेते हैं भाई। अपना तो फायदा ही फायदा है, आम के आम और गुठलियों के दाम। अब तू बता, क्या मैं कोई बुरा काम करता हूँ? नहीं नहीं, तू थोड़ा ही कोई गलत काम करता है। देख भाई, पढ़ाई लिखाई के फायदे और अनपढ़ होने के नुकसान तो उठाने ही पड़ते हैं आदमी को। मुझे ही कुछ करना होगा मजदूरों के फायदे के लिए, मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे पढ़ना होगा, पढ़ना होगा। मैं जरूर पढ़ूंगा, जरूर पढ़ूंगा और फिर इस मुंशी का भांडा फोड़ूंगा। हाँ, इस तरह एक मजदूर ने मन में पढ़ने की ठानी, इस तरह एक मजदूर ने मन में पढ़ने की ठानी, खत्म कर सके जिससे वह मुंशी की मनमानी। इस तरह एक मजदूर ने मन में पढ़ने की ठानी, दिन भर मेहनत करता वे रात को पढ़ने लगता, एक दिन बड़ा बनने का वो सपना देखा करता, सपनों में फिर एक दिन आई परियों की रानी। इस तरह एक मजदूर ने मन में पढ़ने की ठानी, मन में पढ़ने की ठानी, मन में पढ़ने की ठानी। आ से अनार, आ से अनार, छोटी ई से इमली, छोटी ई से इमली, छोटे ऊ से उल्लू, छोटे ऊ से उल्लू। माँ साहब, उल्लू मतलब मुंशी गंगाराम। 2 और 5 25, 2 और 6 26, 7 में से 1 गए ये भी 6, और 5 में से 3 घटाए 2। या से यज्ञ, रा से राधिका, आम लगाया, अमरूद लगाया, नहीं अब बेर लगाया, बाग लग गया, हैदर आया, हैदर ने अमर का बाग देखा। मजदूर ने पढ़ना शुरू किया, अधिकारों के लिए अपने लड़ना शुरू किया, साथ साथ पढ़ने के मजदूर रोज काम पे आता, देख राधिका को सोचता काश वो से शादी कर पाता। राधिका सुन, का है रास्ता को रोका? का है बोल, तुझसे बात करनी है। का बात करनी है? वो खास बात यू का हुए है। अरे खास बात ना जाने। अरे जब एक लड़का एक लड़की से बात करना चाहे और वो भी अकेले में, उसे खास बात कह रहे हैं। ए राधिका, कहाँ भागे जा रही है? मैं कहीं भी भागू तुझसे मतलब? तेरे से एक बात करनी है, खास बात है। हाय हाय, खास बात? क्या खास बात करनी है? हाँ थोड़ी बताऊंगा, अकेले में। अकेले में? कहीं तुझे भी मुझसे वही बात तो नहीं करनी जो एक लड़का एक लड़की से करे है? यू ही बात है राधिका। बेसलम, एक दिन तो जरूर करूंगा। राधिका, अरे कहाँ भाग ले ही है तू, जला देख के भागा कर। चोट तो नहीं लगी मुंशी जी? अरे लगी है, बहुत लगी है। दर्द हो रहा है? हाँ, पल मीता मीता। कहाँ?
अरे यहाँ और कहाँ, पर नजर तो कुछ नहीं आ रहा। अरे ये अंदर की चोट है, बाहर से नजर नहीं आवेगी। बाहर से तो सिर्फ जूते की ही चोट नजर आएगी। मुंशी का बच्चा, क्या कहा? वो गलती हो गई मुंशी जी। अरे तू ऐसी गलती तो लोज किया कल। अरे तेरे को सब फ्ली? हाँ? मेरा मतलब तेरे को सब माफ। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे लुक, तेले से मैंने एक बात कर ली है, खास खास बात। क्यों? अरे तू घबरा क्यों गई? वो कहा है मुंशी जी, आज जो भी मुझसे मिले हैं खास बात ही करे हैं। क्या? अरे ऑल कॉल करना चाहे तेले से खास बात? लुच्चा। हाय हाय हाय, कितने मीठे हैं तेरे लब ए लालिका। अरे गाली खा के तो मजा ही आ गया। कमीना कहीं का। हाय हाय, अरे उनको तो आता है प्याल पे गुस्सा, और हमें इनके गुस्से पे प्याल आता है। अब आगे भी तो बढ़ो मुंशी जी। अरे तेले से बात कर ली है, यहाँ नहीं, यहाँ तो बहुत बील बाल है, चल अकेले में चलते हैं। अकेले में? हाँ। हट बेशरम। वो खेल होला यहाँ पे? नहीं मुंशी जी, खेल नहीं होला, मेल होला है मेल। हाँ मुंशी जी, मैंने कुछ ना देखा। बड़े बेचलम लोग हैं। अरे जाओ काम करो, भागो यहाँ से। आपने देखा समझा बूझा जाना, कितना विचित्र है ये कारखाना। यहाँ पे है एक नार और उसके हैं 100 बीमार। आगे देखेंगे मिला किसे अनार और किसको पड़ गई है मार। पर इससे पहले मैं एक बात बतलाती हूँ, एक पढ़े लिखे मजदूर से तुमको आज मिलाती, मैं तुमको आज मिलाती हूँ। जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है, मुख्य समारोह में इसका गान होता है। जब राष्ट्रगान गाया जाता है तो लोग सावधान मुद्रा में खड़े होते हैं। सब गिनते थे कि 7 तारीख कब आएगी। रमन कहता था बारी अपनी कब आएगी। अंगूठा लगा, हली सिंह। हाँ जी मुंशी जी। इधर आओ। कहाँ लगाओ यहाँ अंगूठा? अरे यहाँ लगा, और कहाँ लगाएगा? ये ले लादिका। रुको हरी सिंह, हम लोग साथ चलेंगे। लमन आया मुंशी जी, आया। ले भैया तू भी लगा ले अंगूठा। यहाँ तो और क्या, मेरे माथे पे लगाएगा? हाँ वही लगाऊंगा। क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, आप रुपए दो। ये लो। 5, 10, 10, 20, 25, 100, 200, 300, 400। ये पैसे तो कम है मुंशी जी। अरे पूले है भैया, पहले कभी तुझे कम दिए है मैंने? ये तो सिर्फ 425 रुपए हैं, और अंगूठा आपने 500 रुपए पर लगवाया है, इसलिए मैं पूरे 500 रुपए लूंगा, ना एक पैसा कम ना एक ज्यादा। अरे भैया क्या कह रहे हो तुम, पागल तो नहीं हो गए? पागल तो तुम हमें बनाते हो मुंशी जी, अब हमें सब पता चल चुका है। अरे भैया तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने अंगूठा 500 पे लगवाया है? मुंशी जी अब मैं पढ़ना लिखना सीख गया हूँ, अब तुम हम लोगों को और बेवकूफ नहीं बना सकते हो। जानते हो प्रौढ़ शिक्षा केंद्र जाता हूँ मैं, अब तुम्हारी बदमाशी और नहीं चलेगी। चलो जल्दी से बाकी मजदूर भाइयों के पूरे पैसे निकालो। अरे देख कह रहा हूँ जल्दी निकालो। अरे नहीं भाइयों रुको भाइयों, मेरी बात सुनो। मुंशी को मारने से कुछ नहीं होगा, और फिर तुम कौन कौन से मुंशी को मारोगे? हमारे चारों तरफ ऐसे अनेकों मुंशी हैं, अगर आपको मारना ही है तो अपनी अज्ञानता को मारो, पढ़ो लिखो होशियार बनो, और फिर कोई मुंशी तुम्हें पागल नहीं बना पाएगा। जानते हो
हमारी सरकार ने जगह जगह प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोल रखे हैं। हाँ, वहां जाकर अपनी अज्ञानता दूर करो, और एक बार अज्ञानता का अंधेरा दूर हुआ नहीं, फिर देखना तुम्हारी जिंदगी में ज्ञान का उजाला कैसे फैलता है। इसलिए तुम सब आज मेरे साथ ये कसम लो कि हम सब आज ही से पढ़ना लिखना शुरू करेंगे। लो भैया, ये तुम पैसे रख लो, सबको दे देना। पूले है ना मुंशी जी? भैया पूले है, अब तो मैं कहीं और जाके मुंशी जी लिख करूंगा जहाँ कोई भी पढ़ा लिखा ना हो। भाग यहाँ से मुंशी, चल। इस तरह मुंशी की चोरी का हुआ काम तमाम, रमन को उसके दोस्तों से मिला खजनाम, मिला खजनाम। ए रमन। हाँ राधिका, बोल। मुझे तुझसे कुछ खास बात करनी है। खास बात मुझसे? हाँ बोल ना। यहाँ नहीं। यहाँ नहीं, अकेले में? हाँ बोल। का तुझे ना मालूम? मालूम तो है, लेकिन मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ। मेरे को शर्म आवे है। अरे बोल ना। मुझसे शादी बना ले। शादी और तुझसे? अरे मैं तो शहर की किसी पढ़ी लिखी लड़की से शादी करूंगा। हाँ शकल तो देख अपने शीशे में, शहर की लड़की और तुझसे शादी करेगी? क्यों, क्या खराबी है मेरे में? पढ़ा लिखा हूँ। सुन, आ से अनार, आ से आम, ए से एप्पल, बी से बॉय। इसका मतलब तू सच में मुझसे शादी नहीं करेगा? कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। मेरे को तेरी सारी शर्तें मंजूर हैं। तो फिर तुझे पढ़ना लिखना सीखना पड़ेगा। लेकिन मैं पढ़ लिख कर क्या करूंगी? अच्छा एक बात बता, शादी के बाद क्या होगा? मेरे को शर्म आवे है। अरे बता ना। ढेर सारे बच्चे? ना, सिर्फ एक या दो बच्चे, ताकि हम उन्हें आराम से पाल पोस कर बड़ा कर सकें। यही सब तो पता चले है पढ़ाई लिखाई सीखने से। अच्छा आगे तो बोल। देख, अगर हम पढ़े लिखे होंगे तो हमारे बच्चे भी तो पढ़े लिखे होंगे ना। एक या दो बच्चे? हाँ, और फिर हम उन्हें आराम से पाल पोस सकेंगे, उन्हें हमारी तरह मजूरी ना करनी पड़ेगी, पढ़ लिख कर वो बहुत बड़े अफसर बन सकेंगे। अच्छा मैं भी पढ़ूंगी, अ से अनार, आ से आम, और ए से एप्पल, एप्पल मैंने सेब, बी से बॉय, बॉय मैंने लड़का, हमारा लड़का। तो देखा आपने कि शिक्षा किस तरह से इंसान के जीवन की दिशा बदल देती है, उसे तरक्की की राह पल्ला देती है। हम सब चाहते हैं कि आपने जो शिक्षा का दीपक अपने घर में जलाया है, उसका प्रकाश हर घर में फैले। क्यों ना ज्ञान का एक पेड़ ऐसा लगाया जाए जिसकी हमसाए के आंगन में भी छाया जाए। तो पढ़ना तो आप लोगों ने शुरू कर दिया है, अब जरा मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। हाँ साहब, थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है। अच्छा। हाँ वो काखा गाघा सब सीख लिया, सब याद कर लिया हमने। बहुत शाबाश, बहुत अच्छे। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने क्या पढ़ना सीखा है? अनुसुईया जी बताइए। बहन जी, आ से अनार और ई से उंगली। लेकिन एक बात है अनुसुईया जी, पढ़ाई यहाँ अभी खत्म नहीं हुई है, आप लोगों को अभी आगे और बहुत कुछ पढ़ना। हाँ साहब, पढ़ना तो चाहे हैं, पर एक दिक्कत है। यही कि हम पढ़ें किससे? मास्टर जी से पढ़ने में हम सबको शर्म आवे है। अब आप लोगों को सरिता पढ़ाएगी। क्यों सरिता? दीदी मैं तो क्या हुआ? हमारा साक्षरता अभियान तो स्वयं सेवी कार्यकर्ताओं से ही तो चल रहा है। ठीक है, लेकिन दीदी मेरे साथ हरी सिंह भी पढ़ाएगो, मंजूर है। लेकिन एक बात हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए ये तो आप सब लोग जान ही चुके हैं कि प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम में
शब्दों को पहचानना, पढ़ना, लिखना, जोड़ना, घटाना सब कुछ जरूरी होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि सिर्फ यही सब जान लेना जरूरी नहीं है। तो फिर क्या जरूरी है? इससे भी ज्यादा क्या जरूरी है? ये बात कुछ समझ में आई नहीं। जल्दी आएगी अब्दुल्ला चाचा, बहुत जल्दी ये बात आपकी समझ में आएगी। दरअसल क्या है कि प्रौढ़ साक्षरता के पश्चात इंसान को कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करनी चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। अब आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि कार्यात्मक साक्षरता क्या होती है। हाँ बहन जी हाँ। कार्यात्मक साक्षरता का मतलब ये है कि इंसान जो कुछ भी पढ़ना लिखना सीख चुका है उसका अपने दैनिक जीवन में यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करना सीखे। ये बात तो ठीक है, जब तक पढ़ाई लिखाई का हम इस्तेमाल करना नहीं सीखेंगे तब तक उसका क्या फायदा। हाँ ये तो है भाई, रोजाना की जिंदगी में पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल करना तो आना ही चाहिए। सही मायने में देखा जाए तो कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने से एक इंसान न केवल अपने अधिकारों के बारे में जानता है बल्कि उन्हें प्राप्त करना भी सीखता है। मेरा ख्याल है हमारी बातें आप सब लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। हाँ बहन जी समझ में आ गई। लेकिन अब आपको इसे अमल में लाना है और हमें इंतजार रहेगा आप सभी के पूर्ण साक्षर होने का और पूरी तरह से कार्यात्मक साक्षरता को प्राप्त करने का। अब्दुल्ला मेरा नाम है। ये क्या लिखा है? शकीला, ये तो मेरा ही नाम है। शकीला नहीं शकीला, बोलो। शकीला शकीला। शाबाश शकीला भाभी, बैठो। एक चीनी का डब्बा उस तरफ से दूसरे नंबर पे है और वही चीनी का डब्बा इस तरफ से तीसरे नंबर पे है, तो बताओ कितने हो गए? पांच। गलत, चार। वो कैसे? इस तरफ से तीसरे नंबर पर और इस तरफ से दूसरे नंबर पर, तो बताओ कितने हो गए? चार। अब सही है।